जोधपुर का अनीता चौधरी हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार किया गया है। गुलामुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज उसकी कोर्ट में पेशी की गई है। गुलामुद्दीन को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड, लेकिन सिर्फ 7 दिन की रिमांड मिली पुलिस को। पूरी सुरक्षा के बीच पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। अभी भी कई सवालों के जवाब खोजना बाकी है। तो अनीता चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन पुलिस की गिरफ्त में है और आज मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। आज कल मुख्यमंत्री में जो गुलामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था, अभी आज पेश किया गया। 10 डेज का रिमांड मांगा गया था, 7 डेज का मिला है अनुसंधानधारी। संवाददाता प्रदीप जोशी मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, 7 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को। श्री चावश ब्यूटी पार्लर चलाने वाली अनीता चौधरी, जिसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके 6 टुकड़ों में शव मिला था, उसी को लेकर मुख्य आरोपी जो गुलामुद्दीन था, जिसकी लंबे समय से तलाश थी, कल रात्रि में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक पीसी कर उसकी गिरफ्तारी की बात की गई। 24 घंटे का प्रावधान है जिसमें आरोपी को कोर्ट के समक्ष मेडिकल करवाने के बाद में पेश किया जाता है। उसी के चलते आज एडिशनल SP सुनील के पवार और सोलापुर थानाधिकारी दिलीप सिंह के साथ में कड़ा जाब्ता लगाया गया और वहीं पर गुलामुद्दीन जो हत्यारा है उसको यहाँ पर पेश किया गया है, जहाँ पर पुलिस द्वारा 10 दिन का रिमांड मांगा गया था और उसी रिमांड मांगने के साथ 7 दिन का रिमांड पुलिस द्वारा दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो आबिदा पत्नी है गुलामुद्दीन की, जिसने कहा था कि उसके पति ने ही ये हत्या की है, इन सारे साक्ष्यों को लेकर पुलिस कहीं गई अब 7 दिन तक इनको आमने सामने बिठाएगी, मौका मुआयना कराएगी। जहां पर खड्डा खोद कर शव डाला गया था उस जगह का मौका मुआयना किया जाएगा और सबसे अहम बात की जाए जो हत्या के जो साक्ष्य हैं उसको जुटाने के लिए कहीं कहीं 7 दिन का जो समय मिला है पुलिस को, उसको लेकर गुलामुद्दीन को हर जगह पर लेकर तत्काल रूप से जिस छुरे से उसने काटा था कई सारी चीजें बरामद करनी है। FSL की जो जांच में जो और जांच में प्रभावित होने वाली चीजें जो गुलामुद्दीन के बयानों के आधार पर जांच प्रारंभ करेगी। जी चलिए, अभी देखिए फिलहाल यहाँ पर पूछताछ भी हो जानी है, लेकिन प्रदीप कई बड़े सवाल अभी भी खड़े हुए हैं जिसके जवाब अभी पुलिस ऑफिसर्स को नहीं मिले हैं, पुलिस अधिकारी को नहीं मिले हैं, क्योंकि 6 टुकड़ों में अनीता के जो डेड बॉडी थी वो वहाँ पर मिली थी और जो लोग हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। अगर हम फिलहाल के माहौल को लेकर बात करें प्रदीप, क्योंकि जो परिजन है वो लगातार मांग भी कर रहे थे, तो क्या अब वो संतुष्ट हैं गिरफ्तारी को लेकर? जी रिजा, अवश्य जिस तरह से बात की जाए परिजनों की, तो अभी तक उन्होंने पुलिस को कोई भी तरह का सहयोग नहीं किया है और जो शव है जिसका पोस्टमार्टम होना है उसका पुलिस अभी भी बेसब्री से इंतजार कर रही है। जो शव है पिछले आज 10 दिन बीत चुके हैं और 10 दिन बीतने के बाद में शव का जो पोस्टमार्टम नहीं हो पाया उसको लेकर भी कहीं कहीं साक्ष्य नष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की सबसे बड़ी मंशा यही है, जो इच्छा है वो यही है कि सबसे पहले शव का पोस्टमार्टम हो, जिसके अंदर जो नशीला पदार्थ पिलाकर उसको बेहोश किया गया था, उसके बाद उसकी जो हत्या की गई थी, कई सारे साक्ष्य निकलकर सामने आ सके। चलिए शुक्रिया प्रदीप आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की आज कोर्ट में देखिए पेशी की गई है और आज उसको 7 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया है। हालांकि पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन पुलिस को सिर्फ 7 दिन की रिमांड मिली। अब इस 7 दिन में पुलिस को सारे सवालों के जवाब लेने होंगे।